तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम फ्री फायर अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कभी कभी हमको प्रॉब्लम आ जाती है कि हमको फ्री फायर अकाउंट डिलीट अपना करना पड़ जाता है। आज हम देख लेते हैं फ्री फायर अकाउंट को हम डिलीट कैसे करेंगे। आज मैं देर नहीं करूँगा, जल्दी से करूँगा वीडियो को स्टार्ट। फ्री फायर अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप आखिर में लाइक करेगा, यदि ना पसंद है तो लाइक मत करिए। दोस्तों ऐसे आपकी मर्जी, मैं देर नहीं करूँगा, जल्दी से करूँगा वीडियो को स्टार्ट। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रेड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सिंपल हमको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे फ्री फायर ऐप की मदद से हम डिलीट करेंगे, तो वहाँ से नहीं करेंगे, मैं आपको अच्छे से दूसरी सेटिंग बताऊंगा। आपको करना क्या होगा, आप जैसे यहाँ पे फेसबुक से ही अधिकतर लोग अकाउंट बनाते हैं, तो आपको करना क्या है, अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं फेसबुक ऐप की ही मदद से बताऊँगा। तो मैं अपना फेसबुक ऐप यहाँ से ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आई मैं आपको अच्छे से लाइव जानकारी सब कुछ देता हूँ, अच्छे से समझिएगा। हमको यहाँ पे साइड में थ्री लाइनिंग दिखेगा, इस थ्री लाइनिंग पे क्लिक करना होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, हम इस पे टैप कर देंगे। इस पे टैप करने के बाद फिर से हमें यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर दिखेगा सेटिंग का, इसमें चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी एंड लाइक का, लॉगिन का, फिर नीचे है ऐप एंड वेबसाइट का, ऐप एंड वेबसाइट वाले ऑप्शन पे हम टैप कर देंगे। जैसे हम इस पे टैप करेंगे हमारे सामने नया इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा वेट करते हैं, लोडिंग होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। और आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग अधिकतर ऐप जो होता है फेसबुक से लॉगिन करते हैं। देखिए मेरा दो ऐप फेसबुक से लॉगिन है, कैनवा और यहाँ पे जी एरिना फ्री फायर। तो यहाँ पे आपको जी एरिना फ्री फायर पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कर देंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे आपको बता दूँ डिलीट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों यह जो अकाउंट आप डिलीट करने जा रहे हैं, यह जो अकाउंट है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, तो आपका डेटा वगैरह दोबारा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो परमानेंटली डिलीट होने जा रहा है, तो सोच समझ कर डिलीट करिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो रिमूव का बटन है इस पे टैप करना होगा, फाइनली सोच समझ लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे है डिलीट पोस्ट एंड वीडियो इवेंट जी एरिना फ्री फायर टेलीबोर्ड वीडियो जो वगैरह भी आप डिलीट करना चाहते हैं इस पे टैप कर दीजिएगा। रिमूव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए क्या क्या आपका डिलीट हो जाएगा, मतलब सब कुछ डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, रिकवर नहीं हो पाएगा दोस्तों, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस पर टैप करके आप रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सब कुछ सोच समझ के यदि परमानेंटली आपको डिलीट करना है, फाइनली डिलीट करना ही है, तो सब कुछ पढ़ के यहाँ पे चेक मार्क कर दीजिएगा और एक बार सोच समझ के ही आप अकाउंट को डिलीट करिएगा। रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपका अकाउंट जो है ना यहाँ से रिमूव हो चुका है, डिलीट हो चुका है फाइनली। अब आपका यहाँ पे जो फ्री फायर अकाउंट है परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।